हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं लेकर आई हूँ घर में बेकार पड़े कपड़े और बची हुई कतरन के आइडियाज। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे पास बची हुई कतरन ऐसे ही पड़ी रहती है, सिलाई से या फिर फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, तो मैंने क्या किया, उनमें से छोटे छोटे पीस कट कर लिए। कट करने के बाद मैं उनके ऊपर प्रेस कर ली और ये हमने ले ली है ट्रांसपेरेंट सीट। देखिए, ये आपको ना जहाँ से आप बेड सीट, सोफ़ा कवर, पर्दे खरीदते हैं ना, वहाँ पर बहुत इजीली से मिल जाएगी। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 13x26, मतलब कि दो पीस लिए हैं जिनकी लंबाई 26 है और चौड़ाई 13 इंच है। अब हमें क्या करना है, जो हमने पीस कट किए हैं ना उनको इसके ऊपर फैलाना है। तो एक पीस हमें नीचे रखना है ट्रांसपेरेंट सीट का, और छोटी छोटी कतरन, चाहे आप तिखुंटी कट कर लीजिए या आप रेक्टेंगल और आप सर्कल कैसा भी कट कर लीजिए, इस तरह से आपको क्या करना है, बस इस सीट के ऊपर पूरे को फैला देना है कपड़े की कतरन को। उसके बाद जो दूसरा पीस लिया हमने ट्रांसपेरेंट सीट का, उसके ऊपर रखना है, मतलब कि जो कतरन है ना वो बीच में आ जानी चाहिए। अब हमें इसके ऊपर प्रेस करने हैं, तो प्रेस करने के लिए आप कोई भी कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए, उसे रखिए पॉलीथीन के ऊपर, फिर प्रेस कीजिए। डायरेक्ट मत कीजिएगा वरना पॉलीथीन है, गर्म होने के बाद ना प्रेस के अंदर चिपक जाएगी। दुपट्टे को हटा लेंगे, ये देखिए, तो ये ना कतरन बहुत आसानी से चिपक जाती है पॉलीथीन के बीच में प्रेस की हीट की वजह से। अब स्केल से हमें बराबर तिरछी लाइन खींचनी है, तो कोई स्केल ले लीजिए या फिर आप किसी भी तरह से इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए लाइन खींच लेनी है, और इन लाइनों के ऊपर करनी है सिलाई। ये देखिए, हमने पूरे के ऊपर लाइन खींच ली है। अब हमें लगानी है इसके ऊपर सिलाई, जो तिरछी लाइन खींची है उनके ऊपर भी और चारों साइड से भी, ताकि जो इसके अंदर कतरन भरी है ना हमने, वो सिलाई के नीचे दब जाए, मतलब कि वो खिसके नहीं। अगर आपकी मशीन इसके ऊपर काम नहीं कर पाती है, चल नहीं पाती है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, न्यूज़पेपर के या रफ कॉपी के छोटे छोटे पीस कट करने हैं, फूट के नीचे रखना है और फिर सिलाई करनी है इस तरह से, तो सिलाई बहुत अच्छे से चल पाएगी। कभी भी सिलाई मशीन अगर नहीं चल पाती है ना पॉलीथीन के ऊपर या नायलॉन के कपड़े के ऊपर, तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत काम आएगी। अब पेपर को हटा देना है, तो पूरे के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ चारों साइड का, उसे कट करके अलग कर देंगे। इससे ना ये कतरन है जो अच्छे से दब जाती है, खिसकती नहीं है। अब ये हमने हैंडल बनाने के लिए दो पीस लिए कपड़े के, इसे फोल्ड करना है दोनों साइड से और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने 4 इंच ली है, और लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसे फोल्ड करना है, जो हमने पीस सील कर तैयार किया है। उसके बाद जो बंद वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड नहीं, बंद वाली साइड, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 2x2 इंच के हमें दो कॉलम बनाने हैं। ये देखिए, चौड़ाई भी 2 इंच है और लंबाई भी। उसके बाद इसे कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब ऊपर वाली साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, इधर की साइड स्केल रखेंगे 4 इंच पर। अब इधर की साइड हमें हैंडल को अटैच कर लेना है दोनों साइड से। अब ये पट्टी ली है हमने एक 3 इंच चौड़ी, जिसे हमें इसके ऊपर सीलना है सीधी साइड में। उल्टी साइड को पलटेंगे तो ये बाहर की साइड ना हमारी पतली सी पाइपिंग आ जाएगी इस तरह से। अंदर की साइड फोल्ड करेंगे कपड़े को और एक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सीलना है। अब दोनों साइड सीलने के बाद में अब जो सीधी साइड है उसे रखना है हमें अंदर की तरफ, और इसकी जो दोनों साइड है ना उन्हें सील कर हमें बंद कर देना है, एक तो इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। अब जो कॉलम है हमारे, कॉलम को इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है इधर की साइड, और एक जो दूसरा कॉलम है ये वाली साइड, इसे सील कर बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में अब इसे सीधा कर लेंगे, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। दोस्तों, बेकार पड़ी कतरन थी जिसे हम फेंकने वाले थे, और उसका यूज करके हमने इतना सुंदर सा बैग बनाकर तैयार किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आपके पास भी इस तरह की बेकार पड़ी कतरन है या फटे पुराने कपड़े हैं, तो उनका यूज करके इस तरह का बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं, या इसे ऑफिस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इसे शॉपिंग के लिए। तो आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए हमने एक पुरानी शर्ट ली है जो बाजू वाली साइड से फटी हुई है। अब इसे फेंकने की बजाय मैं सोच रही थी इसमें से एक ऐसा सामान बनाकर हम तैयार करें जो हमारे घर में काम भी आए। इसके लिए हमें क्या करना है, फोल्ड करेंगे इसे बीच में से
और नीचे वाली साइड ना गोलाई है, तो इसे हमें बिल्कुल बराबर करना है। तो निशान लगाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे और इधर तक हम कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल बराबर हो गया है। इसी तरह से ऊपर वाली साइड है जो, उसे भी हमें सीधी लाइन खींचनी है और इधर तक कट कर लेना है। ये एक रेक्टेंगल पीस हमारे पास रेडी हो गया है। अब दोनों बाजुओं को कट कर लेते हैं। जो पहले फटा हुआ पार्ट है ना, उसे कट करके हम अलग निकाल देंगे। इनमें से हमें दो पीस कट करने हैं रेक्टेंगल, तो पहले बराबर कर लेते हैं, इधर की साइड से भी कट कर लेंगे। और इसमें से हमें चाहिए 8x12 इंच के दो पीस, तो एक पीस इसमें से कट कर लेंगे। ये 6 लगाया हमने निशान, डबल है तो ये 12 हो जाएगा, और लंबाई इसकी ले लेंगे हम 8 इंच, इधर तक कट कर लेंगे। तो ये दो पीस हमारे पास रेडी हैं, रेक्टेंगल पीस, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इनकी किनारी को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है इस तरह से। थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और चारों साइड से सील कर तैयार कर लेना है। इसी तरह से जो मेन फैब्रिक है, उधर की साइड भी हमें कपड़ा फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है दो साइड से, क्योंकि एक साइड इसकी बटन वाली है और एक साइड इसकी काज वाली साइड है। दोनों पीस सीलने के बाद में अब हमें इसके साथ इसे अटैच करना है दोनों को। तो हमें रखनी है उल्टी साइड अंदर की तरफ और सीधी साइड रखनी है बाहर वाली तरफ, मेन फैब्रिक की भी और जो दो पीस हमने छोटे वाले साइज के कट किए हैं ना उनकी भी, इस तरह से रखना है। आप देख सकते हैं लंबाई हमने ऊपर की तरफ रखी है। अब हमें इधर सिलाई लगानी है, इसे पलटना है, एक सिलाई इधर लगा देंगे, उसके बाद इसे पलटेंगे एक सिलाई इधर। तो हमें तीन साइड इसकी सील कर तैयार करनी है। इसी तरह से जो दूसरे वाला पीस है इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, तीन साइड से हमने इसे सील कर तैयार किया। एक साइड अभी इसकी ओपन है, इधर वाली साइड भी और इधर वाली साइड भी। अब इसमें लगाने के लिए हमें हैंडल के लिए कपड़ा चाहिए, जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई है इसकी 7 इंच। दो पीस है, दोनों साइड से फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। एक बार और फोल्ड करेंगे इसी तरह से। दो हैंडल बनाकर तैयार कर लिए, इधर की साइड अटैच कर देना है, एक इधर की साइड और एक इधर वाली साइड। तो मैं आपको सील कर दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरेज बैग बनकर हमारा रेडी हो गया है। बहुत सारे कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके हम रख सकते हैं, जिप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर बटन है, वो बंद कर देंगे और दोनों साइड हमने हैंडल लगाए हैं पकड़ने के लिए। ये देखिए, तो इसे उठाना और रखना भी बहुत इजी हो जाएगा। अब इसे बेड के अंदर रख दीजिए या फिर अलमीरा के अंदर रख दीजिए। नीचे बेस के लिए हमने गत्ते का यूज किया अंदर वाली साइड, ताकि ये एक जगह स्टेबल रहे। तो कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।